छत्तीसगढ़ में आज धान खरीदी का अंतिम दिन था, जहां पर किसानों के द्वारा टोकन कटाया गया था। बावजूद उसके कृषि मंडी में उनका धान को नहीं लिया गया। धान के अधिकांश मंडियों में यही हाल है, जिसको लेकर के आज गरगोड़ा के स्थानीय जयस्तंभ चौक पर किसानों ने चक्का जाम कर दिया और प्रशासन को ज्ञापन दिया तथा साथ ही मांग रखी कि उनके बकाया धान को खरीदा जाए और उनके जो उचित मांग है उन पर जायज निर्णय लेकर के उन्हें उनका हक दिया जाए। फिलहाल गरगोड़ा के जयस्तंभ चौक पर किसानों ने चक्का जाम कर दिया है और अपनी मांगों को लेकर के प्रशासन को ज्ञापन दिया है। फिलहाल देखना होगा कि प्रशासन की तरफ से इनकी मांगों को लेकर के क्या निर्णय लिया जाता है और चक्का जाम कब तक खुलता है। चक्का जाम करने से जहां एक और स्थानीय रहवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, वहीं इस मार्ग से गुजरने वाली लगभग 52 बसों को भी यहाँ परेशानियों का सामना करना पड़ा और बसों के यात्रियों को भी यहाँ पर लगभग परेशानियों का सामना करना पड़ा है। फिलहाल स्थानीय किसान शाम तक चक्का जाम पे जमे हुए थे और अपनी मांगों को पूरा करने के लिए प्रशासन से गुहार लगा रहे थे। नमस्कार, मैं श्रवण चौहान। जिन किसानों ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार को सत्ता पर सत्तासीन की थी, वही किसान आज धरना आंदोलन करने को मजबूर हो गए हैं। बता दें कि सरकार का वादा था कि 2500 रुपए में धान खरीदी की बात यहां पर कही गई थी और सरकार की तरफ से किसानों को टोकन कटवाने की पहली बात कही गई थी। अधिकतर किसान टोकन कटवा चुके हैं, लेकिन मंडी में धान ले जाने के बाद में किसानों का धान को खरीदना नहीं जा रहा है और मंडी के जो प्रबंधक हैं उनका कहना है कि हमारे पास बरदाने नहीं है, इस वजह से हम धान नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि सरकार जहाँ जिन किसानों के बूते पर सत्ता पर आई है और सत्तासीन हुई है और कहीं ना कहीं किसानों के द्वारा दिए गए वोटों पे कांग्रेस सरकार यहाँ पर बनी हुई थी, बावजूद उसके कि जिस प्रकार से आज किसान सड़क पर आए हैं और रोड जाम करके आज धरना आंदोलन करके मजबूर हुए हैं, निश्चित तौर पर यह एक सवालिया निशान सरकार के ऊपर लगता है। आइए जानते हैं कि किन किन बातों को लेकर के सरकार के खिलाफ में आज जो किसान है धरने पर बैठे हुए हैं। हमारे साथ में किसान है, बात करते हैं कि वो किन बातों को लेकर के आज धरना की है। आज तुम काबर से धरना करे हवा? मैंने धान टोकन कर दी थे और कल थल्ले हम बराबर मैंने घूमा था और जैसे जब ले सोसाइटी को जैसे तब ले मैंने हम टोकन भरा अगले हफ्ता अगले हफ्ता ऐसे तैसे करके मैं हर साल 600-700 तक मैं देता हूँ और ये साल मात्र मैंने 190 तक देता हूँ। खुद धान लोग था सोच के हाँ और धान के लोग 125,000 के मुला राखर भी मिलते तो अब 200 के टोकन ना करते थे मुर्गा कल ठेले में परेशान समस्या हमारो ये हमारे टोकन कट जिसे धान लेके खड़े करे हम कुछ फोन हमें धान ले खरीदत नहीं है बरदाना नहीं है कहा थे तो हम उनके धान खरीदे कहना है हमके और खरीदे तब तक कर्जा वर्जा पटाबो जाओ काकर ट्रैक्टर की किस्ती है काकर का है काकर का है तब तक ला किसान के तो लागर आवेज करते नहीं तो वही हिसाब से हम उनके धान ले खरीदे कहना है किसानों का बोनस मिलना चाहिए किसानों का मन चाहिए। आज हमारे द्वारा यहाँ पर जब मैं खुद और सारे किसान आज जब लास्ट डेट है आज राज्य सरकार द्वारा तय की है 20 तारीख तो हम लोग सुबह जब मंडी गए तो वहाँ पर टोकन हमको काट के परसों ही दे दिया गया था। उसके बाद जब हम लोग गए तो वहाँ बोल रहे की बारदाना नहीं है बोला कि थोड़े दिन बाद गए बोल के नहीं आज नहीं हो पाएगा तो मतलब ये इस टाइप के छलावा जो सरकार द्वारा की जा रही है इसका हम विरोध करते हैं और उसके पश्चात हम सभी किसान वहां से मंडी से उठकर यहां पर तहसील ऑफिस में यहां पर आए हम तहसीलदार साहब से निवेदन किए और तहसीलदार साहब द्वारा हमें उसमें अक्षमता उसमें बताया गया कि मैं यहां पर इसमें मैं नहीं कर सकता आपके कुछ कुछ नहीं कर सकता आप इसे ऊपर उच्च अधिकारी से बात करके उनके द्वारा कोई इस समस्या का हल नहीं निकाला गया इसलिए हम लोग मजबूरी में यहाँ चक्का जाम यहाँ पर करना पड़ा। निजी तौर पर जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार में कांग्रेस के वादे रहे हैं और कांग्रेस का जो वादा रहा है कि किसानों को 2500 रुपए में धान लेने की बात थी साथ ही जो रकबा है उससे ज़्यादा धान खरीदने की बात यहाँ पर सरकार के द्वारा कही गई थी वो अभी किसी भी प्रकार से यहाँ पर पूरा नहीं किया जा रहा है और अधिकतर किसान जो है धान बेचने से महफूज हो पाए हैं। यहाँ पर टोकन कटा हुआ है बावजूद इसके जो बहुत सारे बहाने यहाँ पर प्रबंधक के द्वारा किए जा रहे हैं वह एक सवालिया निशान जरूर खड़ा करता है। अब देखना होगा प्रशासन तो ये उन्होंने ज्ञापन दे दिया है प्रशासन इस पर क्या एक्शन लेती है और आगे इनका क्या कार्रवाई होता है।